हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? हे वी आर पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट कर रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। आई होप सभी बच्चे फटाक से ज्वाइन हो जाएं ताकि हम स्टार्ट कर पाए इसे। जल्दी जल्दी आ जाइए बच्चा पार्टी ताकि अपन फटाक से सेशन स्टार्ट करें। डी एंड एफ ब्लॉक का सेम जैसे अभी अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स खत्म किए हैं, वैसे ही इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के सेशन अपन अभी स्टार्ट करेंगे। ऑडियो एंड वीडियो फाइन आई थिंक, जहां तक मुझे अभी चेक हो पा रहा है। जितने बच्चे हैं प्लीज फटाक से अपना शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो पाए फटाक से। और देन स्टार्ट करते हैं अपन डी एंड एफ ब्लॉक। लेट्स वेट देम फॉर 2 मिनट्स एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग। अच्छा, तब तक जब तक बाकी बच्चे आते हैं तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे कितना कितना आपको क्या काम करने हैं। देखिए, आज आपका संडे है, जस्ट पेपर से एक दिन आपका बचा हुआ है। आरबीसी सीबीएसई दोनों बच्चों के लिए ही है। तो आप लोगों को भी मैं बताऊंगा कि भाई कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई पेपर से एक दिन पहले आपके पास में टाइम मिला है आपको कि क्या रिवाइज करूं क्या नहीं करूं। उस चीजों का जो हल है वो लेके मैं लाइव सेशन के अंदर आया था कि भाई आप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक बार रीड आउट कर लें। आपको पता चल पाता नहीं है कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, तो वो ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं जो अपन ने टैग किए हैं। अभी एक सेशन मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लाइव लिया है, उसमें आप चेक कर सकते हैं फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का भी अपन इसके अंदर लाइव जा रहे हैं। तो प्लीज लेट्स स्टार्ट विद इट। जितने बच्चे हैं प्लीज मुझे एक बार थम्स अप दे दें ताकि मैं एक बार जान पाऊं कौन कौन बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ में ताकि अपन स्टार्ट कर पाए। डी एंड एफ ब्लॉक हमारे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर आपके 4 ब्लॉक्स आते हैं। कितने ब्लॉक्स आते हैं बेटा? 4। 4 ब्लॉक में सबसे पहले होता है एस ब्लॉक, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आता है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आता है अपना। टी ब्लॉक जिसके अंदर हमारा 13 to 18 ग्रुप आते हैं। वहीं तक अगर मैं बात करूं थर्ड से लेके 12th ग्रुप तक की तो वो अपन इंक्लूड करते हैं अपने डी ब्लॉक के अंदर। वहीं पे थर्ड ग्रुप के ही कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स होते हैं जो कि 2 सीरीज होती है, एक लेंथेनॉइड सीरीज, दूसरी एक्टिनाइड सीरीज, जो अपन डिस्कस करते हैं अपने लेंथेनॉइड एक्टिनाइड सीरीज को अपने डी एंड ब्लॉक के अंदर। डी एंड ब्लॉक के अंदर अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले यही आता है कि सर व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स। पहली बात, देयर प्रॉपर्टीज बेटा ट्रांजिट बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज इनिशियली ट्रांजिट करती थी एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के अंदर। अगर उनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिट कर रही है तो ऑब्वियस बात है कि वो जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिट करती हैं, दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और क्योंकि उन्हीं के अंदर आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, दैट्स व्हाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं अपन अपने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो इसमें से जो सवाल बनते हैं 2013-16 के अंदर आपका सवाल बन चुका है कि जिंक कैडमियम मर्करी ऑफ ग्रुप 12 के अंदर फुली डीटेन कॉन्फिगरेशन। सर ये तो चलो अपने इनिशियल माना जाता है, पर अभी हम क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं? अगर उसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको तो एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये बनती है क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांजिस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? ट्रांजिस्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। पर जिंक कैडमियम मर्करी उनके फुली डीटेन कॉन्फिगरेशन, अगर फुल डीटेन कॉन्फिगरेशन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की जगह नहीं मिलेगी, तो दैट्स व्हाई दे शुड नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट फिर भी उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्योंकि उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनके अंदर डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स हैं अपनी वहां पे खाली हो जाती हैं और वो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज अपना ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, क्यों करना चाहिए वो भी मैंने आपको इसमें इन्फॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सवाल 2013 और 16 में अपने इस पैराग्राफ से सवाल ऑलरेडी बन चुका है। अगर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट फेज के अंदर आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। मेजरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेस्ड सवाल नहीं बनते हैं। सवाल अगर इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर मैं बात करूं तो इस पैराग्राफ से सवाल बना हुआ है सीबीएसई के अंदर।
2017 के अंदर। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा मार्किंग वाला चैप्टर नहीं है, बट स्टिल आई नीड कि आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से गो थ्रू करें ताकि आपको पता चले कि सर ये जो छोटे छोटे सवाल जो पूछे जा सकते हैं वो कहाँ कैसे पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 8.1 आपसे इम्पोर्टेंट बन जाता है, उसी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि भैया स्कैंडियम 21 का है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक में आता है ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है बट जिंक नहीं कहलाता है, क्यों, तो उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन इसी चैप्टर के अंदर, तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से एक सवाल पूछा जा चुका है पहले, एक सवाल जो पूछा जा चुका है वो क्या है सर आपका एग्जाम्पल नंबर 8 पॉइंट, सॉरी इंडेक्स नंबर 8.1, इंडेक्स क्वेश्चन 8.1 पहले सवाल पूछा जा चुका है आपके पेपर्स के अंदर, जिसके अंदर सवाल सीधा सिंपल बना था कि सिल्वर उसके फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आपके होते हैं फिर भी आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो ये सवाल आपका पहले बन चुका है सीबीएसई के अंदर, तो आपको ये इंपॉर्टेंट आपका मार्क करना है एंड आप इसको कैरी आउट कर सकते हैं, आगे डिस्कस कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट अगर अपन ग्राफ्स की बात करें तो इस पूरे चैप्टर के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्सेप्शनल क्वेश्चंस मेजरली पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाता है वो इस पेज में अवेलेबल अपना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन 2013 2015 सीबीएसई बोर्ड आरबीएसई बोर्ड के 2012 14 एंड 15 तीन सालों में इसको ऑलरेडी पूछा जा चुका है बेटा, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा। जितने भी बच्चे हैं प्लीज अभी लाइव सेशन में ज्वाइन हो रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रही कि इनिशियली मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया बट फिर भी जब वीडियो खत्म होने के बाद आप पूरा इनिशियल से इस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सीबीएसई में 2013 2015 आरबीएसई में 2012 2014 2015 में वेरिएशन एटॉमिक साइज या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से सवाल बन चुके हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा, तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है बेटा। सेकेंडली क्रोमियम, अगर मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेजरली नहीं पूछा जाता पर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे भूला जाएगा सर, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल बनते ही बनते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका इसमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, आपको बहुत ढंग से बहुत ध्यान से क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखना है। क्रोमियम दूसरा कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर ये दोनों आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेजर सवाल नहीं पूछता है बट ये दोनों हैं आपके जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर बढ़ते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले भी पूछी जा चुकी है, एक सेकंड लीजिएगा 25 मिनट। अच्छा एक चीज बीच में मैं स्किप कर गया, आरबीएससी बोर्ड 2012 एग्जाम्पल नंबर 8.2 जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है सर, देखो ध्यान रखना जितने ज्यादा, इसमें सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, जितने ज्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये आपको पॉइंट याद रहना चाहिए बेटा। पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है कि किसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी ज्यादा है बेटा, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पर अगर मैं बढ़ू तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेस पे सवाल ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी भी आपकी बोर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम टाइम में पूछी जाती है, कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट पे मेजरली सवाल बनते हैं बहुत ज्यादा, आपके टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे सवाल बनते हैं बहुत ज्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट पर 2022 के अंदर रिसेंट सीबीएसई में सवाल पूछा गया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट सवाल में इससे इक्का दुक्का बार पूछे गए तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे सवाल, और इस पूरे चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले पेपर में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, एनोमलस सवाल है सीबीएसई आरबीएसई का, तो प्लीज आप लोगों को ये डिस्कस करना है। एनोमलस सवाल अगेन आपको बता दूं, एनोमलस सवाल वो है जो कि आपके कुछ टाइम पहले सवाल पूछे जा चुके हैं 5 से 10 साल पहले, मेजर ज्यादा चैप्टर से सवाल नहीं पूछे जाते हैं तो जल्दी जल्दी अपने चैप्टर को स्किप करेंगे।
क्योंकि पिछले 5-10 साल के पैटर्न में देखा गया कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे मेजरली सवाल बने हैं, बाकी सवाल इसमें ऐसे देखने को नहीं मिले हैं। लैप्टॉप पोटेंशियल पे मेजरली सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर अगेन से इंटेक्सेशन आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 8.4 एग्जांपल नंबर 8.4 की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल नंबर 8.4 आरबीएसई बोर्ड में 2012 के अंदर सवाल बना था। आरबीएसई बोर्ड 2012 के अंदर आपका 8.4 आ चुका है बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 8.4 आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है। एग्जांपल नंबर 8.4 से सवाल पूछा जा चुका पहले कि व्हाई Cr+2 रिड्यूसिंग एंड Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग व्हाइल बोथ हैव D4 कॉन्फिगरेशन। D4 कॉन्फिगरेशन होने के बावजूद भी Cr2+ जो है वो आपका रिड्यूसिंग होता है, Mn3+ है जो वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। उसके पीछे की लॉजिक ये है कि Cr+2 इज रिड्यूसिंग क्योंकि उसका कॉन्फिगरेशन D4 से D3 में कन्वर्ट होगा। द लेटर हैविंग अ हाफ फिल T2G0 लेवल, यानी लेटर मतलब Cr2+ से जो आपका D3 कॉन्फिगरेशन में जाने वाला है वो ज्यादा T2G लेवल में हाफ फिल और वाइटल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है या कहते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग नेचर का होता है। नहीं तो Mn+3 Mn+2 में कन्वर्ट होना चाहता है क्योंकि उसका हाफ फिल D5 कॉन्फिगरेशन आ जाएगा जो कि उसको ज्यादा कंपैरेटिवली स्टेबल बनाएगा। प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप लोग इसको अच्छे से गो थ्रू करें। अगेन बता रहा हूँ T2G इजी लेवल क्या होते हैं सर, जब डी ब्लॉक के ऊपर लिगेंड अटैक करता है तो आपके जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, कौन मुझे बताएगा सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जब लिगेंड इनको अप्रोच करता है तो लिगेंड के अप्रोच की वजह से डी जनरेट ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाती है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने की वजह से क्या होती है कि आपके T2G और ईजी लेवल्स बन जाते हैं और उन एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर उस एनर्जी लेवल में लोअर एनर्जी की हाफ फिल्ड हुई तो भी उसके अंदर कंपेटिवली स्टेबिलिटी आएगी, दैट्स व्हाई आपका Cr+2 रिड्यूसिंग होता है और Cr+2 जो है वो रिड्यूसिंग होगा और Mn+3 जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो काइंडली इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी इस तरह को ऐसे कोई सवाल नहीं पूछा गया है, पर अगर अपन आते हैं मेनली आपके सॉरी ओके एक सेकेंड, आई होप ऑडियो वीडियो एकदम फाइन है। जितने बच्चे अभी ज्वाइन है प्लीज एक बार मुझे थम्स अप दें और अपना नाम भेजें ताकि मैं आपको आइडेंटिफाई कर पाऊँ कौन कौन बच्चे अभी आप ज्वाइन है करेंटली। प्लीज फटाक से अपने नाम से और या थम्स अप करके आप प्लीज मुझे बताएं कि कौन कौन बच्चे अभी ज्वाइन है ताकि अपन कैरी आउट कर पाए आगे। चले जब तक आप लोग बताते हैं तब तक अपन आगे स्टार्ट कर देते हैं, देन अपन आगे बढ़ते हैं। मेजरली आपका आरबीएसई बोर्ड में 8.5 नंबर एग्जांपल और इंटेक्सेशन 8.5 आरबीएसई बोर्ड में 2017 के अंदर पूछा जा चुका है। आरबीएसई बोर्ड 2017 में आपका एग्जांपल नंबर 8.5 और इंटेक्स नंबर 8.5 आपका पूछा जा चुका है आरबीएसई 2017 में। RBSE बोर्ड 2017, RBSE बोर्ड 2017 में आपके सवाल बन चुका है, बन सकता है ऑलरेडी। तो प्लीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, काइंडली इसको नोट डाउन करते रखें। चलिए नेक्स्ट, CBSE में यहां तक अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया, मतलब इंटेक्स ट्यूशन 8.6 बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंटेक्स ट्यूशन 8.6 से सवाल आया है 2014 के अंदर, तो प्लीज आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा बेटा। आपको पता है बेटा कि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो आपका नेचर होगा डाई मैग्नेटिक। कैसा होगा बेटा? डाई मैग्नेटिक नेचर होगा। कैसा मैग्नेटिक नेचर होगा सर? डाई मैग्नेटिक नेचर होगा। वहीं पे अगर आपका एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ तो नेचर हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। नेचर कैसा हो जाएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। बाकी इससे मेरे सवाल नहीं पूछे जा चुके हैं। सवाल कहां से पूछे गए हैं सर? सवाल पूछे गए हैं कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस से और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से आपके सवाल बने हैं पहले भी, 2018 के अंदर आपसे सवाल पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे सिंपली, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहां पे पुट करके आप बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा। आगे बढ़ते हैं इंटेक्स ट्यूशन 8.8 की तरफ। इंटेक्स ट्यूशन 8.8 पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है बेटा सवाल। 8.8 से सवाल पहले भी पूछा जा चुका है 2015 में आपके CBSE बोर्ड में।
और आरबीएसई बोर्ड के 2012, 2015, 2018 और 22 चार साल में यही सवाल आपका पूछा जा चुका है बार बार। तो प्लीज आपको यही ध्यान रखना है, ये सवाल इतने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको मैंने अभी अभी बताया भी कि ऐसे सवाल बनते हैं, इससे बोर मैग्नेट्रॉन बेस्ड आपके यूनिट हो जाती है मैग्नेटिक मोमेंट की। बोर मैग्नेट्रॉन में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यूनिट बार बार याद रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आप न्यूज से रिप्रेजेंट करते हो, कईयों बार उसकी यूनिट पूछ ली जाती है सिंपली कि यूनिट क्या होती है, तो वो होती है आपकी बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसलिए आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप प्लीज उसकी यूनिट जरूर ध्यान रखें। आगे आते हैं सप्लीमेंट्री और मेन पेपर के अंदर, आपके सीबीएसई के अंदर इन दोनों से सवाल बन चुके हैं कि टाइटेनियम प्लस फोर और टाइटेनियम प्लस थ्री का कलरलेस और पर्पल कलर कैसे ऑप्टेन होता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर डीडी ट्रांजिशन होते हैं। कैसे ट्रांजिशन होते हैं बेटा? डीडी ट्रांजिशन, और डीडी ट्रांजिशन की वजह से, डीडी ट्रांजिशन की वजह से ही आपके कलर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो शो होते हैं, कलर कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़े तो कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज पे सीबीएसई ने 2017 में सवाल पूछा है, 2017 में सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपका सवाल पूछा गया है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड पे भी 2015 एंड 2017 दोनों में सवाल सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो बेटा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल बनता है कि कैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, कैसे आपकी आपकी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो प्लीज बहुत एसेंशियल है आपके लिए ये, तो इसको जरूर कवर कीजिएगा याद से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायन से मेजरली सवाल नहीं पूछे जा चुके हैं, कोई भी पूछा सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, बट पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब इस वाले पैराग्राफ से नहीं पूछा जाएगा, बट पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, डाइक्रोमेट यही पे मैं साइड में लिख रहा हूं, डाइक्रोमेट परमैंगनेट की प्रिपरेशन, डाइक्रोमेट परमैंगनेट की प्रिपरेशन बी प्रिपेयर्ड की, इसकी प्रिपरेशन से आपको सवाल प्रश्न दिखेगा बेटा, बी प्रिपेयर्ड की प्रश्नों आपको प्रिपरेशन से सवाल देखने को मिलेगा। 120% बात बेटा प्रिपरेशन बेस्ड सवाल आते हैं इसके डाइक्रोमेट और आपके पर मैग्नेट से, तो काइंडली इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बहुत अच्छे से आपके हो जानी चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट के सवाल। आगे बढ़ते हैं बेटा, इनकी प्रिपरेशन की रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए, ये डाइक्रोमेट की रिएक्शन है बेटा प्रिपरेशन की और सेम परमैग्नेट की। अच्छा क्रोमेट से, क्रोमेट का कलर येलो होता है और डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, इंटर कन्वर्जन में पूछा जा चुका है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा बेटा, सीबीएसई 2013 में सवाल बना है इससे कलर बेस्ड सवाल, और ये प्लीज ये एंगल बेस्ड सवाल कि कैसे ये कनेक्टेड होते हैं, ये पैराग्राफ आपके लिए इंपोर्टेंट बन जाता है बेटा, इसको आपको टैग कर लेना है इंपोर्टेंटली। सेम आपके मैग्नीज के केस में मैग्नेट का कलर आपका होता है ग्रीन, पर मैग्नेट का कलर होता है पर्पल। अभी आपके वाइवास आपके सॉरी प्रैक्टिकल्स खत्म हुए हैं, तो प्रैक्टिकल्स में आपके एटीएस केएम नंबर का टाइट्रेशन होना मस्ट है, आपने केएम नंबर के साथ में टाइट्रेशन किया होगा तो आपने देखा होगा पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है केएम नंबर का, तो केएम नंबर का सोल्यूशन आपका पर्पल कलर का होता है, मैग्नेट आपका ग्रीन कलर का होता है। सवाल पूछ रहा था मैग्नेट ग्रीन कलर का कि पर मैग्नेट पर्पल कलर का, अभी नीट में भी, नीट 2022 में भी इससे सवाल आया है, नेट 2022 में भी कलर बेस्ड सवाल ऐसे देखे गए हैं, तो प्लीज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आई नीड कि आप लोग इसको जरूर डिस्कस करें अपने जब आप रिवीजन कर रहे हो तब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके प्रिपरेशन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बननी जाती है। इनर ट्रांजिशन मेटल से मैं आपको अगेन बता दूं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से सवाल बनते हैं बेटा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे सवाल बार बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा। इस पूरे चैप्टर से अगर कोई सवाल पूछा मेजरली गया है या जाएगा तो वो आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है और उसके ट्रेंड्स है 2017 और 2018 में, इसके ट्रेंड बेस्ड सीबीएसई में सवाल बने हैं 17 और 18 में, सीबीएसई में ट्रेंड बेस्ड सवाल आपके इसमें देखे गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसमें ध्यान रखना है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को। प्लीज आई नीड कि आप लोग इसको लास्ट टाइम पर जरूर पढ़ते हुए जाए, क्या होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कैसे डिक्रीज इन साइज होती है, किन किन कॉज की वजह से डिक्रीज इन साइज होता है, तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बन जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसके आपके कवर करवा दूंगा। लैंथेनॉइड की सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज की एक ट्रिक मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अवेलेबल करवा चुका हूँ आपको, आप उसको जाके देख सकते हैं लैंथेनॉइड सीरीज की ट्रिक, मतलब याद रखने की ट्रिक,
तो प्लीज उसको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें दे दूंगा ताकि आप गो थ्रू कर पाए इजिली। एक सवाल जो पहले सवाल पूछा जा चुका है सीबीएसई के अंदर और आगे भी पूछा जाना है कि हाई टेंडेंसी है, व्हाट इज मिश मेटल। मिश मेटल एक मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय है बेटा, जो कि बुलेट्स प्रोड्यूस करने के काम में आता है, जिसमें हल्का सा ट्रेस अमाउंट में आपके सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम जैसी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। मेजर आपके लैंथेनाइड मेटल प्रेजेंट होते हैं 95%। इज दैट क्लियर? यहाँ तक पहले मिश मेटल आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। 2017 में आपका सवाल सीबीएसई में पूछा जा चुका है मिश मेटल से, तो प्लीज आपको ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2018 में एक्टिनियम और एक्टिनॉइड बेस की प्रॉपर्टीज बेस सवाल पूछे जा चुका है 2018 में, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देनी चाहिए। इसकी भी ट्रिक मैं आपको अवेलेबल अभी करवा देता हूं। टीएच से अपना बन जाएगा था, पीए से बन जाएगा पा, यू से आ जाएगा यूनिवर्सिटी, थापा यूनिवर्सिटी, एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो थापा यूनिवर्सिटी। एनपी से आ जाएगा नेपाली, पीयू से आ जाएगा पुलाव, एएम से आ जाएगा अमेरिकन, सीएम से आ जाएगा चाउमीन, बीके से आ जाएगा बीकानेरी, सीएफ से आ जाएगा कैलिफोर्नियम से आ जाएगा कोफ्ते, ईएस से आ जाएगा ऐसे, एफएम से परमाइये, एमडी से मैडम, ये मैनेजिंग डायरेक्टर वाले मैडम नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है यहाँ पे, मैडम वाली एमडी है, ध्यान रखना। एनओ से नाश्ता और एलआर से लेकर आइए, ये आपकी इसमें ट्रिक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इसको। लेथरॉज की ट्रिक मैं ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगेन सवाल अगर पूछा गया तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन बेस सवाल पूछे गए हैं, बाकी इसमें से ऐसा कोई सवाल नहीं बना है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन आपको याद रहना चाहिए बेटा। इज दैट क्लियर? एक इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 8.10 आपसे पहले पूछा जा चुका है आरबीएससी बोर्ड में 2012 में। आरबीएससी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें, 2012 में आपके सवाल बन चुका है, तो आपको अच्छे से ये सवाल आना चाहिए। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन एलिमेंट टू एलिमेंट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन से ज्यादा बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि सर उसमें ऑलरेडी लेंथेनॉइड्स भी होते हैं, लेंथेनॉइड का कॉन्फिगरेशन भी वो इंक्लूड करता है अपने अंदर, और अगर लेंथेनॉइड का कॉन्फिगरेशन इंक्लूड करता है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन भी लगेगा, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से साइज डिक्रीज हो रही है, और अब एक्टिनियम के अंदर सीरीज बढ़ने की वजह से, एक्टिनॉइड कॉन्फिगरेशन बढ़ने की वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन भी लगेगा, तो हेंस एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन एलिमेंट टू एलिमेंट ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। प्लीज रिमेंबर इट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका चैप्टर डी एंड ब्लॉक यहीं पे वाइंड अप होता है, बट इसके सवाल इंटेक्स्ट क्वेश्चन में से बार बार सवाल बन चुके हैं। जैसे 8.7 को अगर मैं मार्क करूं 2013 और 2015 सीबीएसई बोर्ड, आपका सवाल बन चुका है बेटा ये 2013 2015 आपके सवाल पूछे जा चुका है 8.7 और 8.12 2015 में सीबीएसई के अंदर पूछा जा चुका है। 8.12 आपका 2015 में सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है बेटा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये दो सवाल आपके इसमें से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मूविंग अहेड अपने नेक्स्ट चैप्टर पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट करते ही अपन अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे बेटा, आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपना, और देन अपन आगे बढ़ेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। कोशिश करूंगा कि इसी 5 सेकंड में अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन जल्दी जल्दी वाइंड अप करें। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से मेजरली आपके थ्योरी बेस्ड सवाल बनते हैं, इसमें आपको मेजरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पता होने चाहिए, कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। एग्जैक्ट क्लियर? आई होप आप लोग लाइव सेशन में प्रेजेंट हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और रहेगी मेरी कि प्लीज जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं वो सब लाइव ही इसको, जैसे मतलब जो अभी लाइव चल रहा है उसको पीछे नहीं जाए, पीछे आप बाद में देख सकते हैं, अभी लाइव प्रेजेंट है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दे ताकि मुझे बच्चे पता हो कि कौन कौन बच्चे अभी कनेक्टेड है। प्लीज चारू, आदित्य एंड अभिराज गौतम, इनके अलावा प्लीज आप बताएं एक बार कौन कौन बच्चे अभी अवेलेबल है अपनी लाइव क्लास के अंदर, ताकि अपन आगे मूव फॉरवर्ड कर सकें। एक बार प्लीज फटाक से थम्स अप करें।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेजरली आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस किया जाता है आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है जिसके अंदर आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के मेटल्स जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने खाली ऑर्बिटल्स, खाली डी ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन खाली डी ऑर्बिटल्स के अंदर, डी ब्लॉक के मेटल्स अपनी खाली डी ऑर्बिटल्स के अंदर किसी एक्सटर्नल एजेंट के लोन पेयर्स को पूरा पूरा लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉनिक पूरा पूरा लोन पेयर, पूरा पूरा लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, पूरा पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी एक्सटर्नल एंटिटी से, और वो एक्सटर्नल एंटिटी अपनी कहलाती है लिगेंड। वो एक्सटर्नल एंटिटी क्या कहलाती है बेटा? अपनी लिगेंड। वो एक्सटर्नल एंटिटी कहलाती है अपनी लिगेंड। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं इसमें आगे। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी थ्योरीज, थ्योरीज जैसे वर्नर थ्योरी, जैसे आपकी विपटीज, ये थ्योरी आपकी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेजरली इसके अंदर टैगिंग की बात करूं तो टैगिंग अभी इस दो पेज से पहले दो पेज से मेजर सवाल नहीं पूछे जा चुके हैं, बट वर्नर थ्योरी के पोर्टफोलियोस आपको याद होने चाहिए। ये आपके सीबीएसई 2018 में पूछे जा चुके हैं, 2018 में सीबीएसई 2018 में आपके ये बन चुके हैं आपके इससे सवाल वर्नर थ्योरी के पोर्टफोलियोस से। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है सर? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? तो लिगेंड जब एक सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ अपनी एक स्पेशल अरेंजमेंट की फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उस स्पेशल अरेंजमेंट को आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। यहां से अभी अब तक कोई सवाल नहीं बना है, पर डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स पे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे सवाल बने हैं 2014 में सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों के अंदर। तो प्लीज आई नीड कि आप लोग इसके डिफरेंस को बहुत अच्छे से कवर अप करके जाए, किसी भी दो डबल सॉल्ट के एग्जांपल को याद रखें। जैसे एक तो मोर सॉल्ट, ये मोर सॉल्ट को तो आप इसका फॉर्मूला तो आपको रट गया होगा बिकॉज आपने इसको इतनी बार आपके टाइट्रेशंस में परफॉर्म किया है। PnSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बेटा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं जनरल टर्म्स की बात करूं तो जनरल टर्म बेस्ड सवाल आपके पूछे जा चुके हैं, जैसे डाइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल। एक जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड को आप फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा? एम्बीडेंटेड लिगेंड को आप फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। क्यों? इट इज फ्लेक्सीबल। क्यों ऐसा है ये इसको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड? क्योंकि ये फ्लेक्सीबल है, अपनी दो डोनेटिंग साइट से किसी भी एक डोनेटिंग साइट को एट अ टाइम शेयर कर सकता है। इट्स फ्लेक्सिबल टू शेयर इट्स वन ऑफ दिस साइट एट अ टाइम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट पेज पे अगर अपन मूव फॉरवर्ड करें तो नेक्स्ट पेज पे सीबीएसई बोर्ड के अंदर इन स्ट्रक्चर बेस पे सवाल पहले पूछा जा चुका है, नॉर्मल सवाल है, मतलब 5 साल से पहले सवाल इसमें बन चुका है। होमोलेप्टिक एट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दोनों पे सवाल बन सकते हैं 2016 के अंदर सीबीएसई बोर्ड में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड के बच्चा पार्टी, जल्द ध्यान दीजिएगा इस पे। और आरबीएसई बोर्ड में इनके एग्जाम्पल बेस्ड सवाल बने हैं, डिफरेंस बेस्ड नहीं, एग्जाम्पल बेस्ड सवाल बने हैं आरबीएसई के अंदर। चले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नोमेनक्लेचर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है बेटा। क्या तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आई 100% एश्योर यू, 100% गारंटी है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा क्या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। लास्ट टाइम क्या हुआ है भाई, ध्यान रखना, 2018 में और जो अभी प्रीवियस पेपर हुआ है जो 2022 के अंदर, उन दोनों पेपर्स के अंदर आरबीएसई सीबीएसई में से दोनों सवाल आए हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अभी नोमेनक्लेचर पूछा गया है और आपके
इसका आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के आपके सवाल इसमें पूछे गए हैं नॉमन क्लेचर के बेस्ड। नॉमन क्लेचर में आपको ये दोनों पता होने चाहिए कि नाम से आप फॉर्मुला भी बनाते हैं, फॉर्मुला से आप नाम भी डिराइव कर पाए। मेजर लिस्ट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर एनायनिक लिगेंड हुआ, कौन सा लिगेंड हुआ बेटा, एनायनिक लिगेंड, तो एनायनिक लिगेंड के केस में, एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज, सॉरी एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, लिगेंड नहीं बोलूं ज्यादा बेटर रहेगा, कॉम्प्लेक्स बोलूं, कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में, कौन से केस के कॉम्प्लेक्स में बेटा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में आपका लैटिन नेम आप यूज करते हो, लैटिन नेम यूज करते हो फॉर सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के लिए लैटिन नेम का यूज किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। इज दैट क्लियर, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा सवाल बनते हैं, रेगुलर सवाल बने हैं 2013, 2015 और 2017 के अंदर, आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड, फॉर्मूला टू नेम और नेम टू फॉर्मूला, आपको दोनों याद रखने हैं बेटा, किस तरीके से नाम से फॉर्मूला बनाया जाता है, फॉर्मूला से नाम बनाया जाता है। प्रैक्टिस करने के लिए आप गो थ्रू कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.2 और 9.3 के थ्रू। इज दैट क्लियर। अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन की, तो इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 9.2 से आईपीएससी नॉमन क्लेचर से सवाल बना है 2013-2019 के अंदर, 2013-2019 डायरेक्टली सवाल पूछा गया इनमें से, ध्यान रखिएगा बेटा 2013 के अंदर दोनों सवाल, इसमें से भी सवाल बना था, उसके बाद सवाल बने हुए हैं बेटा। रिमेम्बर क्या पूछा था एग्जैक्टली, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का नॉमेनक्लेचर पूछा गया था बेटा, प्लीज इसलिए आपको याद रहने चाहिए। आरबीएसई बोर्ड में 2018 के अंदर, आरबीएसई बोर्ड 2018 में आपसे इसके सवाल पूछे गए बेटा, प्लीज इसको अच्छे से करके जाइएगा। आइसोमेरिज्म डैम इंपोर्टेंट है बेटा आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर अगर मेजरली मैं बात करूं तो आपके पूछे जाते हैं कि ये दो आइसोमर्स आपके दे दिए गए हैं और कौन से आइसोमर्स हैं, या फिर एक कंपाउंड आपको दे दिया उसके कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स बन सकते, तो आपको स्ट्रक्चर बड़ा बना के देखने पड़ेंगे बेटा। जितना स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर पाएंगे उतना स्ट्रक्चर आपका बेटा बेटर होगा, जितनी की प्रैक्टिस कर लो आप। अच्छा, एक बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, अगर मैं टेट्राहेड्रल कंडीशन की बात करूं तो उसमें सिस और ट्रांस कंडीशन बनती है, कौन सी कंडीशन बनती है बेटा, सिस और ट्रांस। अगर सिमिलर टाइप के लिगेंड्स एक तरफ हो तो सिस, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स एक तरफ हो तो ट्रांस, सेम टाइप के लिगेंड्स एक तरफ हो तो सिस, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स एक तरफ हो तो ट्रांस कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलती है। और पेशियल और मेरिडोनियल कंडीशन आपकी देखने को मिलती है आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जिसमें सिमिलर टाइप के अगर एक डायगोनल की तरफ आ रहे हो तो आपके फेशियल, और जिस सिमिलर ट्रांस की तरफ आपका मेरिडोनियल अगर डिफरेंट टाइप के एक तरफ आ रहे हो तो, देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के एक एंटिटी भी डिफरेंट हुई तो आपको मेरिडोनियल के अंदर चला जाएगा। इट शुड बी रिमेम्बर्ड बाई यू, फेशियल मेरिडोनियल और सिस एंड ट्रांस, ऑक्टाहेड्रल में फेशियल मेरिडोनियल, टेट्राहेड्रल में सिस एंड ट्रांस। अच्छा, सवाल मैं कह रहा था कि कितने ज्यादा बनते हैं, 2017 के अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म पे सवाल पूछा है सीबीएसई ने बेटा, 2019 के अंदर सीबीएसई ने 2019 में भी सवाल पूछा है लिंकेज आइसोमेरिज्म पे, 2015 में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का सवाल बना है, 2015 में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का सवाल बना है बेटा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पे 2015 में सवाल आपका पूछा जा चुका है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट इसमें अपन देखें तो नेक्स्ट अपना आता है अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे अपना 2018 पे सवाल बने हैं, तो प्लीज इसको टैग करते जाएं साथ साथ में, अपन थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि अपन सभी चैप्टर्स को फटाफट से अपन कवर कर पाए। इज दैट क्लियर। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं फटाक से। अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कौन सी थ्योरी की बात करूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से इसमें ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, बट मतलब इसे आपने ज्यादा नहीं पूछे बट सवाल पूछे गए हैं। गेजर जो सवाल बने वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बने, कौन सी थ्योरी से बने बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। प्लीज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जरूर टैग कीजिएगा, और आपको वो आनी भी चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस तरीके से काम करती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आपने को किन किन चीजों के बारे में बताती है। अच्छा, सवाल जो इनसे पूछा जाता है वो डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड नहीं पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, तो प्लीज ये आपको ध्यान रहने चाहिए। इज दैट क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। नेक्स्ट है 2015 में
इसी पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का सवाल पूछ लिया गया था 2015 में, यूबीटी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करें। 2015 में आपका सवाल बना हुआ बेटा सीबीएसई, तो प्लीज ये आपको जान लेना चाहिए। आपके डाउट्स भी आप भेज सकते हो बेटा, ताकि मैं आपको उसके सोल्व करवा दूं साथ साथ में। नेक्स्ट, अगर अपन आए लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस में दो बार सवाल बना है आरबीएससी बोर्ड में। अनोमलस है मतलब ईयर नॉट आइडेंटिफाइड, 5 साल से पहले। एग्जैक्ट ईयर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी जो है आपकी, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपके काफी सवाल बनते हैं, क्योंकि इसी से आप कलर कॉम्प्लेक्शन को समझा सकते हैं। आई रिक्वेस्ट टू यू कि जब ये चैप्टर खत्म हो, तो उससे पहले ये सभी सेशन खत्म हो, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के और इस सीरीज को अच्छे से कर लें, क्योंकि सीरीज से आपको पता चल पाएगा कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन पेयरिंग करवा सकता है, कौन पेयरिंग नहीं करवा सकता है। इसका पेयरिंग मतलब, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पेयरिंग करवा देते हैं, पर वीक फील्ड लिगेंड ऐसा करवाने में असमर्थ होते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये सीरीज और ये पूरा टोटल अच्छे से डिस्कस जरूर कीजिएगा एक बार, अच्छे से अपने पढ़िएगा जरूर एक बार, टी टू जी ईजी वेरिएशन जरूर पढ़िएगा, और यहां तक ये कलर कॉम्प्लेक्शन तक आपको रीड आउट करना है। एक नोट मैं आपको जरूर बताऊंगा, अच्छा, एक 2017 में इस कॉम्प्लेक्स का कलर बेस सवाल आरबीएससी में पूछा जा चुका है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपके एनसीईआरटी से ही आता है, जस्ट आपको एक बार आके खोल के थोड़ा सा देखना होता है कि हाँ भैया हमारा पूरा पेपर एनसीआरटी से, तो सबसे पहले अपन उसी को गोथ थ्रू क्यों नहीं करते हैं भाई। इज दैट क्लियर? तो प्लीज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अपना आता है कलर कॉम्प्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें एक नोट आपको मैं डलवाना चाहूंगा कि एक लिगेंड होता है लिगेंड, उस लिगेंड के ऊपर ही डिपेंडेंसी होती है कि कौन से टाइप का कलर इसमें प्रेजेंट होगा। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो डिफरेंट कलर आ सकता है, वीक फील्ड हुआ तो डिफरेंट कलर आ सकता है। जैसे इसमें एक आप एग्जांपल देखेंगे कि H2O जब तक आपका प्रेजेंट था कलर था ग्रीन, पर एक इथेन बन टू डायमीन आया, EN ग्रुप आया, तो उसके कलर हो गया पेल ब्लू। कैसा कलर हो गया? पेल ब्लू। एक इथेन बन टू डायमीन को और जोड़ा तो कलर हो गया ब्लू या पर्पल, एक को और जोड़ा तो कलर हो गया वायलेट। तो रिमेंबर एट, बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठाइएगा कि लिगेंड ही आपके कलर कॉम्प्लेक्शन का मेजर कॉज होते हैं। डीडी ट्रांजिशन में मेजरली जो आपकी स्प्लिटिंग हुई है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रहेगी, उसके पीछे का मेन काम आपका लिगेंड ही होते हैं कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। अच्छा, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी ना, ये स्प्लिटिंग नहीं हुई, स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो उस कंडीशन में कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कलरलेस भी दिखाई देते हैं। आप में से कुछ लोगों के बीच में डाउट आता है कि सर हाँ बताओ भैया क्या प्रॉब्लम है, तो बोले सर एक बात बताइए जरा, मैं क्या बताएं, बोले सर डीडी ट्रांजिशन होता है, बिल्कुल होता है, सर लिगेंड आते हैं उसके अंदर से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है, बिल्कुल होती है, उसमें भी डीडी ट्रांजिशन होता है, ईजी टी टू जी के अंदर बिल्कुल होता है, तो सर कुछ कॉम्प्लेक्सेस इन सब तमाम रीजंस के बावजूद भी कलरलेस होते हैं, वो क्यों होते हैं भाई? तो उसके पीछे के दो कारण है बेटा, क्या तो डीडी ट्रांजिशन करने के लिए प्रॉपर स्पेस अवेलेबिलिटी नहीं हो, या फिर आपका लिगेंड प्रॉपर तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं करवा पा रहा हो। ये इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में टूटी टी टू जी ऑर्बिटल में है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है विजिबल लाइट से और पहुंच जाता है अपने इजी जोन में, जिसकी एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, इजी जोन में जिसकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है। इजी में पहुंचा, इजी से वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में, थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज करके, थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज करके वापस किसमें आएगा बेटा? टी टू जी में। किसमें आएगा बेटा? टी टू जी। और वो जो एनर्जी रिलीज करेगा ना यहाँ से, वो एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करती है। कौन से रीजन में लाई करती है बेटा? विजिबल रीजन में लाई करती है सर। विजिबल रीजन में लाई करने की वजह से ही हमें वो कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड दिखाई देते हैं। पर अगर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी नहीं, तो आपके एनर्जी अब्जॉर्प्शन और एनर्जी एमिशन का केस खत्म हो जाएगा, और विजिबल रीजन के अंदर आपका लाइट एमिशन नहीं हो पाएगा, हेंस आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस दिखाई देगा। दैट्स द रीजन फॉर सर इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस।
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। चारू सिंपली ध्यान देना है बेटा, एक सेकेंड एक मिनट, सिंपली ध्यान देना है आपको कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ध्यान से सुनना बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, अंदर वाली डी ऑर्बिटल्स के अभी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसका मैं, अंदर वाली अनपेयर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं सर? पेयर्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनती हैं और इन्हीं एम्प्टी ऑर्बिटल्स की वजह से डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है और वहां पे लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर पाता है। मैं डीडी ट्रांजिशन को ना बोलूं तो लिगेंड के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं एम्प्टी ऑर्बिटल्स में अपन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है इन्हीं एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर, इन्हीं एम्प्टी ऑर्बिटल्स में अगर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमने अंदर वाली डी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग करवा के अंदर वाली ऑर्बिटल्स में ही आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर की फिलिंग की है। दैट्स व्हाई द कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सर जैसे कोई एग्जांपल बता दीजिए, चलो अपन इसके लिए चलते हैं डीवीटी में, किसमें चलते हैं डीवीटी, आप एग्जांपल बने हुए ऑलरेडी। ओके सर ये रे एग्जांपल, देखिएगा ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के थ्रू जो आपका आता है उसका मैं आपको एक एग्जांपल, नहीं सॉरी वीक फील्ड लिगेंड का एग्जांपल है ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल है। देखिए इसमें आपका फ्लोरीन जो है वो लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा लिगेंड है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या कहते हैं, वीक फील्ड लिगेंड आपके बाहर वाली डी ऑर्बिटल्स को, अंदर वाली नहीं बाहर वाली डी ऑर्बिटल्स के अंदर ऑर्बिटल्स को अपने अंदर कंसिस्ट करवा लेता है कॉम्प्लेक्स, ताकि ताकि आपके लोन पेयर्स को फिल किया जा सके और वो लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सके। बाहर वाली का करेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाली का करेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे इसके अंदर एक सेकंड मैं आपको दिखा दूं, जैसा इसके अंदर हुआ देखो, डीडी की ऑर्बिटल्स को अपने डी की पांचवी ऑर्बिटल को अपने डीएसपी टू हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व कर लिया और यहाँ पे देखो हाइब्रिडेशन कौन सी थी, यहाँ पे आपकी हाइब्रिडेशन मिलेगी एसपी थ्री डी टू। बाहर वाली ले तो आउटर ऑर्बिटल, अंदर वाली ले तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, वापस से आते हैं अपने टॉपिक्स में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका मैं मार्क करवा रहा था। चलिए जेमिस्ट्रॉन का कलर, अच्छा ये आप मेरी मान के एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, सेशन खत्म होने के बाद में इसको मार्क करके एक बार गो थ्रू कीजिएगा, सवाल आने की टेंडेंसी कम होती है, बट आपके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा बेटा, सीबीएसई में केस बेस्ड आ रहे हैं, कौन से सवाल आ रहे हैं, केस बेस्ड सवालों के अंदर जेमस्टोन बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज काइंडली इसको रीड आउट जरूर कीजिएगा एक बार। मैं हाई चांसेस है कि केस बेस्ड सवाल जेमस्टोन बेस्ड टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़े तो लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे आते हैं। लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया और ना ही आगे पूछने की टेंडेंसी है बेटा, बट इंटर एक्सक्यूशन में आपके 9.5 में 2018 और 9.6 के अंदर ये सीबीएसई का और आरबीएसई का 2012-2020 में सवाल पूछे जा सकते हैं, 9.6 आरबीएसई और 9.5 आपके सीबीएसई में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सवाल सीबीएसई में दो बार पूछा गया बेटा, नॉर्मलस है मतलब ईयर अननोन है, दो बार मतलब सप्लीमेंट्रीज वगैरह में आ सकता है, आया हुआ होगा शायद, तो ये आपके सीबीएसई में आ चुका है दो बार, तो प्लीज आपको इसको भी गो थ्रू कर लेना है एक बार। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग की तरफ, हाई चांसेस है 70-80% चांसेस है कि आपके परसों के पेपर में आपको मेटल कार्बोनिल बॉन्ड से सवाल देखने को मिलेगा। देखो इस पूरे चैप्टर से सवाल क्या बनता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन समझाना,
क्रिस्टल प्लेट थ्योरी को समझाना किसी कॉम्प्लेक्स की, कलर कॉम्प्लेक्सेस समझाना क्यों कलर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं आपके। बट इन चारों के अलावा भी अगर आपको कोई सवाल बनाना होता है ना, तो वो सवाल आपका बनता है मेटल कार्बोनिल से। इसकी एक बॉन्डिंग होती है स्पेसिफिक, जिस बॉन्डिंग को आप बोलते हो सिनर्जिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? सिनर्जिक बॉन्ड इफेक्ट। इस सिनर्जिक बॉन्ड इफेक्ट को आप कंपल्सरी यहां से पढ़ के जाएंगे बेटा। यहां से मोटा मोटा रफ रफ आइडिया दे दूं कि भैया कार्बोनिल ग्रुप अपनी तरफ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लिगेंड लोन पेयर स्वेयर करता है, मेटल अपनी तरफ से लोन पेयर स्वेयर करता है कार्बोनिल ग्रुप के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर। दोनों एक दूसरे से एक पाई स्टार बॉन्ड की फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि भैया आपके बॉन्ड की मजबूती बढ़ती है और आपके मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनते हैं। यूजेस बेस्ड सवाल अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट हाई चांसेस है कि आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो आपके आपको एडवाइस करूंगा समरी पढ़ते वक्त, जब आप लास्ट टाइम पे समरी पढ़ो, मैंने आपको पहले बता दिया है राज की बात, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो का लास्ट पॉइंट मैंने यही बोला था। क्या है राज की बात? राज की बात ये है कि भैया पेपर से पहले क्या पढ़ूं? समरी पढ़ूं। क्या पढ़ूं? समरी। समरी पढ़ लोगे ना भाई, उसी से खेल हो जाएगा। आप समरी, लास्ट का एक घंटा बचा है सर, मैं पेपर देने जा रहा हूँ, अभी मैं क्या पढ़ू? मैं समरी पढ़ बेटा, समरी। पूरे चैप्टर का मेन जो माल मसाला है वो समरी में लिखा हुआ होता है। आई नीड कि आप समरी को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करें। प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है बेटा, सिस्प्लैटिन एक ड्रग है, नीट 2022 जो अभी इससे पहले वाला नीट हुआ है बेटा, जस्ट अभी वाला, उसमें पूछा गया था विच ड्रग इज यूज फॉर क्योरिंग कैंसर, सिस्प्लैटिन। तो प्लीज आप इसको भी एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? सिस्प्लैटिन हर जगह, इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास हर जगह दौड़ा आ जाता है सिस्प्लैटिन। चलिए अगर इसके मैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो भर भर के सवाल इंटेक्स्ट क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं बेटा। जैसे अपन मार्किंग करते हैं 9.3 वाला सवाल आपके सीबीएसई में पूछा जा चुका है। अगर मैं मार्किंग करूं 9.7 आपका पूछा जा चुका है 2017 में, सीबीएसई 2017 के अंदर पूछा जा चुका है। तो आपके मेजरली नॉमेनक्लेचर बेस्ड सवाल है 9.24 9.25 9.24 9.25, दोनों सवाल आरबीएससी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज इसको कवर अप जरूर कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू कि ये अगर आपके कवर अप हो जाते हैं तो इतने से भी आपका बहुत 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 हद तक आप ये मान लो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अच्छा एक सवाल मैं आपको बताना चाह रहा था, सीबीएसई वालों ध्यान से सुनिएगा बेटा। एफटीसीएन का होल 6 की पावर -4 का नेचर कैसा होगा? ये सवाल आपके पूछा जा चुका है 2017 में, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है सीबीएसई 2017 के अंदर। तो प्लीज एक बार इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। नहीं, इसका नेचर, इसका मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर आपको गेस करना होता है। तो प्लीज ये मैग्नेटिक नेचर बेस्ड सवाल जरूर करके जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और आपका काफी हेल्प करेगा ये मैग्नेटिक नेचर वाला सवाल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। देन अपन बढ़ेंगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन आएंगे बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास में 5 मिनट का गैप है, आप 5 मिनट में अपने इन दोनों चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लें। जितने भी डाउट्स हैं प्लीज लाइव चैट के अंदर बताएं, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, दोनों चैप्टर जीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, आपका लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा है उसको वाइंड अप करके देन अपन स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस बायोमोलिक्यूल्स। फाइव मिनट्स फॉर यू बेटा।
चलिए लेट्स स्टार्ट इट। हेलो वीकेंड, चलो इनसे स्टार्ट करते हैं अपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग अपने से कनेक्टेड हैं एक बार अपने नाम के साथ में मुझे मैसेज करें बेटा, फटाक से जल्दी से मैसेज कीजिएगा ताकि एक बार मैं जान पाऊं कि अभी हमारे पास में कौन कौन कनेक्टेड है। अच्छा आदित्य ने पूछा है स्कैंडियम सिर्फ प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या शो करता है? सर बेटा प्लस थ्री इसकी ज्यादा स्टेबल होती है कंपेरेटिवली। क्यों ज्यादा स्टेबल होती है सर? क्योंकि इसमें सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो एस के और आउट मतलब जो आउटमोस्ट शेल है इसकी, दो एस के अंदर और एक अपना डी के अंदर। इन तीनों इलेक्ट्रॉन को वो लूज करके स्टेबलाइज हो जाएगा बेटा। अगर इन तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करते तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज होने की वजह से ही अपन बोलते हैं कि एस की जो है वो आपकी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे एलोकेन्स एंड एलोरिन्स। एलोकेन्स एलोरिन्स की टैगिंग स्टार्ट करेंगे, एलोकेन्स एलोरिन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए फर्स्ट पेज से मेजर कोई सवाल नहीं बनाया बट आई नो कि यहां से केस बेस्ड सवाल बनने की टेंडेंसी है बेटा। अगर सवाल बनेगा तो मेजरली केस बेस्ड सवाल यहां से बनने के चांसेस है बेटा, तो प्लीज इसको जरूर अच्छे से कीजिएगा। केस बेस्ड सवाल आप यहां से देखेंगे फर्स्ट पेज से, तो इसको एक बार थोड़ा सा रीड आउट जरूर कीजिएगा प्लीज बेटा। फर्स्ट पेज आपके लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप सबको ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। हेलो एंड हेलो ऑडियंस। फर्स्ट पेज में से मेजर सवाल पूछना इम्पॉसिबल है बट सेकेंड पेजेस पे अगर आप मनाते हैं तो सेकेंड पेज से सवाल पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हैलोजन्स में सवाल पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड 2013 के अंदर और सीबीएसई बोर्ड का, और एलाइलिक हैलाइड पे सवाल पूछा गया है अपने आरबीएसई बोर्ड में 2012 के अंदर। तो बेटा ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्लीज काइंडली इसको बहुत अच्छे से कवर अप करें। सवाल क्या पूछता है इसमें से है कि भैया कौन सी हाइब्रिडाइज स्टेज होती है, इस कार्बन की कौन क्या हाइब्रिडाइजेशन है जिससे हैलोजन लगा है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेस पे सवाल पूछा था कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फॉर दिस कार्बन इन विच हैलोजन इज कनेक्टेड टू द एलाइलिक हैलाइड। तो ये आपको ध्यान रखनी है बेटा। बेंजाइलिक हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो बेंजाइलिक हैलाइड पे सवाल यही बना था कि विच हाइब्रिड मतलब बेंजाइलिक हैलाइड से अगर कोई हैलोजन कनेक्टेड है तो जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा उसके आपके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी। तो सेम इस सिमिलरली जिसमें एलाइलिक में पूछा गया था उसी तरीके से इसकी भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी गई है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी गई है। तो प्लीज इसको भी गो थ्रू जल्दी जरूर कीजिएगा बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट अगर इसी केस में बात करूं तो विनाइलिक हैलाइड में भी एक सवाल बन चुका है आपका, डिफरेंस बिटवीन बेंजाइलिक हैलाइड एंड विनाइलिक हैलाइड, डिफरेंस बिटवीन बेंजाइलिक हैलाइड एंड विनाइलिक हैलाइड आरबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो प्लीज इसको जरूर कवर कीजिएगा अलोंग विद आपका एराइल हैलाइड, इनके बीच में डिफरेंस जरूर कीजिएगा बेटा। देखो बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन से एक कार्बन लगा होता है उससे फर्दर एक हैलोजन लगा होता है, पर एराइल हैलाइड में डायरेक्टली बेंजीन लिंक से हैलोजन कनेक्टेड होता है, यही डिफरेंस है। इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है बट इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसी है सर? sp3 है, ये आपको ध्यान रखना होगा बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप अपन आगे सही स्पीड से चल रहे हैं और इसी स्पीड से अपन फटाक से पूरे सिलेबस को कवर करके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता के अपन आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए नेक्स्ट पेज में से आपका अगर सवाल पूछेगा तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर बेस्ड सवाल पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर बेस्ड सवाल जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी, नेमिंग रिएक्शन होंगी, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा क्योंकि उनमें से हाई चांसेस है सवाल पूछने के।
मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप जितना आज मैंने बताया है उतना भी अगर आप पेपर में करके जाते हैं तो 80-85 आराम से आप स्कोर कर सकते हो बेटा। जितना आज बोला है उतना कवर अप करके भी जाते हो तो आप इजिली 80-85 स्कोर कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी अपनी तरफ से एफर्ट डाल देंगे, कुछ सैंपल पेपर सोल्व कर देंगे तो उसमें आप 90-95 क्रॉस कर जाएंगे बेटा। बहुत बड़े बातें नहीं है, बट जितना मैंने बोला है आज की क्लास में उतना कवर कर जाते हो तो 80-85 से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इन दोनों से मेजरली कोई सवाल नहीं पूछा गया है, बट आपके यहाँ से आरबीएससी बोर्ड में पहले सवाल आ चुका है। आरबीएससी बोर्ड में एनोमलस सवाल है, 5 साल से पहले सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में सवाल बन चुके हैं पहले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बात करें तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड के नेचर पे आपके इंडक्टिव इफेक्ट भी सवाल पूछा जा चुका है। सर कौन सा इफेक्ट लगता है इनके बीच में? तो कौन सा इफेक्ट लगेगा सर? इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, उसका जाएगा पार्शियल नेगेटिव करेक्टर, उस कार्बन पे जाएगा पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर। दैट्स इट। इसमें कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलो एल्केन्स। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो प्रिपरेशन में ये वाली जो रिएक्शन है, कौन मुझे बता सकता है इस रिएक्शन का नाम क्या है? R-OH plus SOCl2 वाली रिएक्शन का नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताइए प्लीज, फटाफट से बताइए मुझे। R-OH plus SOCl2 वाली रिएक्शन का नाम क्या है? आप में से मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, जल्दी 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 प्लीज। हाँ, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं सर? डार्जन्स रिएक्शन। एंड इट्स द मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन टू प्रोड्यूस हेलो एल्केन, मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन है हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की। इज दैट क्लियर? अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है रिएक्शन। इज दैट क्लियर? आपको ये भूलनी नहीं है। क्यों है टू प्रोड्यूस हेलो एल्केन के लिए मोस्ट फेवरेबल? क्योंकि इसमें जो दोनों बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, दोनों बाई प्रोडक्ट गैसियस होते हैं, बाई प्रोडक्ट गैसियस होते हैं। इसमें दोनों बाई प्रोडक्ट कैसे होते हैं बेटा? गैसियस, इसलिए है क्योंकि ये उड़ जाएंगे। अच्छा, समटाइम्स एक सवाल और पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में कभी कभी पिरिडिन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है सर? पिरिडिन का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ HCl। पिरिडिन इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक पीएच ऑफ HCl। एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है अपना पिरिडिन कभी कभी इस रिएक्शन के अंदर। तो ये अपने आप में सवाल इंपोर्टेंट बन जाता है बेटा आपका। नेक्स्ट आता है, आपके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये सवाल आरबीएससी में 2016 में और 2014 में बार बार पूछा जा चुका है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम आपके हाइड्रोकार्बन्स एंड दूसरा मार्कोनिकोव एडिशन। ये मार्कोनिकोव एडिशन, आप किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है तो उसमें मार्कोनिकोव एडिशन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पूरी एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मार्कोनिकोव एडिशन आपको बतानी चाहिए कि हाइड्रोजन एसिमेट्रिकल कार्बन जो अगर होंगे, एसिमेट्रिकल एल्कीन जो होगी, मैं बता दूं एक बार मार्कोनिकोव रूल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कौन सी एल्कीन में बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जिस कार्बन पे लेसर हाइड्रोजन होंगे, कैसे हाइड्रोजन होंगे? लेसर हाइड्रोजन होंगे, उस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। और जिस कार्बन पे जिस कार्बन पे आपका लेसर हाइड्रोजन होगा उस पे आपका फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होगा, और जिस कार्बन पे हाइयर हाइड्रोजन होंगे वहां पे आपका हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। इज दैट क्लियर? पिंक क्लिस्टन रिएक्शन, देखिए अभी तक की अगर मैं बात करूं तो अभी तक नेमिंग रिएक्शन में एक पहली नंबर बना गई अपनी डार्जन्स। साथ अपने मन लिखते जाइएगा, नेमिंग रिएक्शन की पहली रिएक्शन डार्जन्स रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन की दूसरी रिएक्शन, अगर मैं बात करूं नेमिंग रिएक्शन नहीं है बट एडिशन तो है मार्कोनिकोव एडिशन,
ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ विस्मिनल डाइब्रोमाइड, सवाल डायरेक्टली पूछा सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर विस्मिनल डाइहैलाइड, विस्मिनल डाइहैलाइड को प्रिपेयर करने का बताइए तकनीक। अच्छा एक मैंने बात बोली विस्मिनल और जेमिनल, अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो तो उसको बोलेंगे विस्मिनल डाइहैलाइड, सिमिलर कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो तो उसको बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है बेटा सिमिलर। 10.3 आरबीएस में पूछा जा चुका है बेटा पहले। अच्छा फिनकेस्टिन 2017 सीबीएसई में पूछा जा चुका है आप लोगों के लिए, आपको मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट आपका थर्ड नेमिंग कॉन्सेप्ट फिनकेस्टिन। पहला आपको डायजेंस बता दिया, सेकंड आपको मार्कोनी को बता दिया, थर्ड आपको बता रहा हूं फिनकेस्टिन। सर आयोडीन एक्सचेंज की रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है, कोई आपका क्लोरीन ब्रोमीन वाला हैलोजन प्रेजेंट हो उस हैलोजन के जगह पे आप आयोडीन अगर इंसर्ट करवा दो तो उसको आप बोलते हैं फिनकेस्टिन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? फिनकेस्टिन रिएक्शन। फिनकेस्टिन के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो की 2017 में पूछी जा चुकी है आरबीएसई एंड सीबीएसई दोनों में, स्वार्ट्स रिएक्शन। अभी तक मैं आपको बता चुका हूं डार्जेंस, मार्कोनिकोव एडिशन, फिनकेस्टिन और चौथी अब आ गई अपनी स्वार्ट्स। तो ये चारों रिएक्शन आपको याद रखनी चाहिए, साथ साथ में आपको लिखना है बेटा, साथ साथ में आप लिखते रहिएगा इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंदर, डार्जेंस, फिनकेस्टिन, मार्कोनिकोव एडिशन और स्वार्ट्स रिएक्शन। और इसी के साथ में अपन आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू एरोमेटिक हैलोजन्स की, या मैं कहूं एरोमेटिक हैलोजन्स हैलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन करने के अंदर, जिसका नाम है हेलो अरीन्स। दो मेथड से प्रिपरेशन करने का, पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, जो भी आपकी इलेक्ट्रोफाइल लगे हो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब हाइड्रोजन, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं आप हैलोजन के हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड डार्क के अंदर, आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डार्क रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आती है स्टैंडमेयर्स रिएक्शन, आपकी पांचवी नेमिंग कॉन्सेप्ट आपके पूरे चैप्टर का, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, स्टैंडमेयर्स रिएक्शन। स्टैंडमेयर रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड बन रहा है डायोजेनियम कंपाउंड, ये डायोजेनियम कंपाउंड जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो बी बी सी, अगर इसमें हैलाइड जो है वो आपका क्लोरीन हुआ, अगर आपका हैलाइड क्लोरीन हुआ तो आपका ये बीडीसी कराएगा, बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा आपका, 2017-2016 दो बार आपके सीबीएसई में और आरबीएसई में सवाल पूछे जा चुके हैं इससे, प्लीज इसको बहुत माइंड करके अच्छे से ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ना है आपको, इज दैट क्लियर? आपका ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्लीज ये मेथड आपको याद रहना चाहिए। व्हाट इज स्टैंडमेयर रिएक्शन? सर एनिलीन का यूज करेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा? एनिलीन। एनिलीन का यूज करेंगे, NaNO2H6 की प्रेजेंस में आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? बेंजीन डायोजेनियम। अगर यहाँ पे HCl हुआ तो बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड का बना, बेंजीन डायोजेनियम हैलाइड का। उसके साथ में कॉपर हैलाइड के साथ में एडिशन करेंगे तो बन जाएगा एरिल हैलाइड, साथ में रिलीज होगी नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा? नाइट्रोजन गैस। सवाल कैसे बनेगा? अ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद NaNO2 एंड मिनरल एसिड टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बी, दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स व्हेन रिएक्टेड विद कॉपर हैलाइड देन फॉर्म्स अ कंपाउंड सी अलोंग विद द नाइट्रोजन गैस। तो ये आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, इस टाइप के सवाल बनते हैं बेटा। तो प्लीज नेमिंग द कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लैरिफाइड होने चाहिए, नेमिंग रिएक्शन आपके क्लैरिफाइड होने चाहिए, तो ऐसे सवाल आप धुआंधार तरीके से कवर कर सकते हो। स्टैंडमेयर रिएक्शन का सेकंड कॉन्सेप्ट, अगर आप KI का एडिशन कर दो, KI के प्रेजेंस में आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा, बस इतना से आपका है, वहां पे CO2H2 की जगह पे। नेक्स्ट इन दोनों कॉन्सेप्ट में से ज्यादा सवाल नहीं बने हैं, अपन आगे जल्दी निकालेंगे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में आपको ध्यान रखना है हायर द मॉलिक्यूलर मास, हायर द मॉलिक्यूलर मास और हायर द सरफेस एरिया, हायर द मॉलिक्यूलर मास, हायर द सरफेस एरिया, हायर विल बी दी, हायर द मॉलिक्यूलर मास, हायर द सरफेस एरिया, हायर विल बी दी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हंड्रेड परसेंट गारंटेड सवाल आपको मिलेगा बोर्ड में इस बार, पूछा जा सकता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर बेस सवाल आपको 120% आपको देखने को मिलेगा बेटा, प्लीज इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। आई थिंक माई ऑडियो एंड वीडियो इज वेरी परफेक्ट फॉर यू, आपको अच्छे से ऑडियो वीडियो आपको क्लियरिफाइड दिख रही होगी, एक बार लेट मी चेक इट, बिल्कुल चले परफेक्ट है, वी कैन गो विद दैट। आगे बढ़ते हैं, यहां से मेरे लिए सवाल नहीं बनेगा, बट SN1 SN2 रिएक्शंस बेटा,
अच्छा, जैसे एम्बिडेंटेड आपका लिगेंड था उसी तरीके से एक होता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ऐसा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल सर? नाम से ही काम का मतलब निकाल लेना आपने को। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। जितने भी पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होती है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इसमें दो डोनेटिंग साइट्स होती हैं। कितने डोनेटिंग साइट्स होती हैं बेटा? दो, SN1 SN2 पे 120%। दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है आपकी, एक SN2 रिएक्शन, SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, जो आपके ध्यान से सुनना बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंडेंट रहती है पर सिंगल स्टेप में चलती है। कितने स्टेप में चलती है बेटा? सिंगल स्टेप में। एक तरफ से आपका न्यूक्लियोफाइल हटता है, दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और इसमें हो जाता है आपके कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। देखो, पहले सीएल जुड़ा था राइट साइड, अब सीएल आपका ओएच जुड़ा है लेफ्ट साइड, तो इस टाइप के इन्वर्जन, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को अपन बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं SN1 SN2 पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बने बेटा, ये आपको ध्यान रखना। देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जुड़ा हुआ था एक कंपोनेंट, जैसे ये कंपोनेंट अप्रोच करेगा ये वाला कंपोनेंट हट जाएगा और कंपोनेंट यहाँ पे दूसरी तरफ से लग जाएगा। ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हो इन्वर्जन। क्या बोलते बेटा? इन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अच्छा इसकी रिएक्शन के ऑर्डर के ऊपर। तो रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन के अंदर, कौन से रिएक्शन में बेटा? SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा सबसे पहले प्राइमरी एलाइड, सबसे उससे कम सेकेंडरी एलाइड, उससे कम टर्शियरी एलाइड। सवाल आता है क्यों? क्योंकि सर जितनी ज्यादा आपकी भीड़ भाड़ होगी, जितनी ज्यादा आपकी भीड़ भाड़ होगी उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का आना मुश्किल होगा। तो प्लीज इसकी रिएक्टिविटी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, उससे कम रिएक्टिविटी आपकी सेकेंडरी की होती है, सबसे कम रिएक्टिविटी आपकी टर्शियरी एलाइड की इसके अंदर देखने को मिलती है। आते हैं SN1 रिएक्शन पे, दोनों पे सवाल बन सकते हैं बेटा। 2016 में सवाल ऑलरेडी बन चुका है SN1 पे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर मतलब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट होगा, इस वाले पे ही डिपेंडेंट होगा, आपके दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें दो स्टेप में रिएक्शन चलती है, पहले कार्बोकैटायन बनता है, देन इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो दो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बोलो बात समझ में आई? इस तरीके से आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं, दो दो स्टेप में होता है इसकी रिएक्शन, इसीलिए अपन देखें। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, SN2 सिंगल स्टेप में होती है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दैट, और SN1 डबल स्टेप में होती है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सिंगल स्टेप में पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनता है, सेकंड स्टेप अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपके फॉर्मेशन हो जाती है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ऑर्डर अगर मैं बताऊं इसकी रिएक्टिविटी का, तो आपको ध्यान रखना है SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी प्राइमरी की सबसे ज्यादा, सेकेंडरी की सबसे कम और टर्शियरी की सबसे कम। SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टर्शियरी की, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की सर्वाइव, क्योंकि SN1 में कौन इंपॉर्टेंट है? कार्बोकैटायन इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्शियरी के केस में ज्यादा है। किसके केस में ज्यादा है बेटा? टर्शियरी के केस में ज्यादा है, दैट्स व्हाई SN1 रिएक्शन में आपका टर्शियरी एलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर। देखो ध्यान से सुनना बेटा, इसमें सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, जैसे व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ऐसी पोलराइज्ड लाइट जो कि एक सिंगल प्लेन में ट्रेवल करे उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किससे बना सकते हैं सर? नॉर्मल लाइट को
एक निकोल्स प्रिज्म होता है, कौन सा प्रिज्म होता है, निकोल्स प्रिज्म, उससे पास कर दीजिए, बन जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट बन जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इज दैट क्लियर? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन से गुजारा जाएगा, किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से गुजारा जाएगा, तो तीन कंडीशन आ सकती है बेटा, रफली आइडिया दे रहा हूं आपको मैं, तीन टाइप की कंडीशन आ सकती है। पहला नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई डेविएशन इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। दूसरा डेविएशन मिलेगा, क्या मिलेगा सर, डेविएशन मिलेगा कैसा, राइट साइड में डेविएशन मिलेगा। और लास्ट डेविएशन मिलेगा कौन सी साइड में सर, लेफ्ट साइड में डेविएशन मिलेगा। नो डेविएशन, राइट डेविएशन और लेफ्ट डेविएशन, ये तीन टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। कब डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा, दो कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा, क्या तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो कंपाउंड की, या फिर कंपाउंड में राइट डेविएशन वाला कंपाउंड और लेफ्ट डेविएशन वाला कंपाउंड 50-50% हो। राइट डेविएशन होगा तो आप उसको बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, जिसको प्लस साइन से डिनोट किया जाता है। और लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, नेगेटिव साइन से रोटेट करेंगे तो अपन उस डिनोट करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे लीवो रोटेटरी कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, लीवो रोटेटरी कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, लीवो रोटेटरी कंपाउंड, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लीवो रोटेटरी कंपाउंड, तो इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद में कायनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कायनेटिक से सवाल बन सकते हैं। कायनेटिक के बाद में इनेंशियमस एंड रेसमिक मिक्सचर, 50-50% मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवर रोटेटरी, मैंने बताया ना दो केस में नहीं आता, अगर आपका 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो 50% लीवर रोटेटरी हो तो उस मिक्सचर को हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि इसमें प्लेन पोलराइज वेक्टर कोई रोटेशन नहीं होगा। अच्छा हम रोटेशन को मेजर कौन से डिवाइस से करेंगे, सवाल आ सकता है, फ्रॉम विच डिवाइस रोटेशन कैन बी मेजर, तो रोटेशन कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर, द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर, रोटेशन को पोलरीमीटर की हेल्प से देखा जा सकता है। इज दैट क्लियर, बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें से अभी तक कोई इंपॉर्टेंट सवाल बना नहीं है, बट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इन्वर्जन रिटेंशन से एक ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से पहले सवाल पूछा जा चुका है 2013 में, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्लीज इसको थोड़ा सा गो थ्रू जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो बीटा एलिमिनेशन में भी अगर मैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करूं, तो बीटा एलिमिनेशन में सेटजफ रूल पे सवाल बना है 2016 में, आरबीएससी सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए, आरबीएससी एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए सवाल आपका सेटजफ रूल पे देखने को मिला है। रिएक्शन विद मेटल्स की बात करूं, किसकी बात करूं, रिएक्शन विद मेटल्स, तो इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, कौन सा कंपाउंड बनता है बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, डाइथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो डायलाइट के एमजी के साथ में और बन जाता है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज बिगनार्ड्स रिएजेंट, तो ये आपको पांचवा छठवा नेमिंग कॉन्सेप्ट आपको अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन आती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, जिसको आप बोलते हो वुड्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बेटा, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन पे सवाल बहुत है बने हैं सीबीएसई में 2017, 16, 13, 18 और 20, इन सभी सालों के अंदर आपको इसमें से सवाल देखने को मिला है, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से कवर अप प्लीज कीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसा है बेटा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आरबीएससी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोजन्स में, और सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोजन्स में क्यों नहीं होता, उसके पीछे के लॉजिक, पहला रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, देखो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से आपका रिंग जो है वो लोन पेयर्स को रेजोनेंस में लगा देता है, रेजोनेंस के अंदर लगाने की वजह से क्या होता है कि भैया आपकी जो बॉन्ड है ये क्लोरीन और इसके बीच में बेंजीन के बीच में
बॉन्ड है ये मजबूत बन जाता है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। सेकेंडली न्यूक्लियर सफिशिएंट रिएक्शन की तरफ, सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो आपके डिफरेंट, अच्छा इसकी एसपी टू हाइब्रिडेशन होता है इस कार्बन का, और एसपी टू हाइब्रिडेशन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से, क्या हाई होने की वजह से बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से, क्या हाई होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से, इस एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी नहीं होती है न्यूक्लियोफिलिक सफिशिएंट रिएक्शन की तरफ। एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इस बॉन्ड को बना देता पोलर, कैसा बना देता बॉन्ड को, पोलर, पोलर बनाने की वजह से बॉन्ड बन जाता है कंपैरेटिवली स्टेबल, स्टेबल बॉन्ड बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, आपका ये जो कंपाउंड है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली फिनाइल कैटायन की अनस्टेबिलिटी रहती है, मतलब अगर आपने बेंजीन के अंदर से क्लोरीन को बाहर निकाल दिया सीएल माइनस की फॉर्म में, सीएल नेगेटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पे बचेगा फिनाइल पॉजिटिव आयन, और ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपाउंड तो ऑब्वियस बात है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा नहीं, एज फिनाइल कैटायन की पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो फॉर्म हो जाए, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हार्ड हो जाती है। और लास्ट आता है पॉसिबल रिपल्शन, कि आपका इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई होती है और न्यूक्लियोफिल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है, और दोनों के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होने की वजह से, इतना रिपल्शन होने की वजह से आपका ये कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है लो अरेंज के केस में। बोलो यहां तक समझ में आया? बढ़ते हैं आगे, सब कब हो सकती है फिर, हार्श कंडीशन में हो सकती है। सर कैसी हार्श कंडीशन, कैसी हार्श कंडीशन? सर अगर मैंने आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, हाई टेम्परेचर रख दिया और हाई प्रेशर रख दिया, तो आपका क्लोरोबेंजीन जो है वो आपके फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर? फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी हार्श कंडीशन को मैं नॉर्मलाइज भी कर सकता हूं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस बेंजीन के ऑर्थो टेरा पोजीशन पे कनेक्ट कर दूंगा तो वो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, इस बॉन्ड को कमजोर कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को बना देता, इस बॉन्ड को बना देता है कमजोर, ये बॉन्ड बन जाता है वीक, बॉन्ड हो जाता है वीक। कैसा बॉन्ड हो जाता है बेटा? वीक। और बॉन्ड के वीक होने की ही वजह से, क्या वीक होने की वजह से बेटा? बॉन्ड के वीक होने की ही वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करवा लेते हैं ऐसी कंडीशंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं सभी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कनेक्ट कर दूंगा ना तो मुझे वार्म वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, मेरे को कांस्टेंट सोडा की जरूरत नहीं है, NaOH की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल वार्म वाटर के अंदर ये रिएक्शन कैरी आउट करवा देता है। मैकेनिज्म अपन इसकी अभी एंडोकोलॉजी करेंगे, इतना टाइम नहीं है, बट आप उसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अभी तक आप सवाल नहीं बनाए हैं, बट चांसेस इज देयर कि सवाल बन जाए, बट इजी है। हेलोजन का एडिशन करें आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो हेलोजिनेशन, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन करें तो नाइट्रेशन, सल्फोन ग्रुप का एडिशन करें, सल्फोन मतलब ऐसे 3H का एडिशन करें तो सल्फोनेशन, आप किसी एल्काइल ग्रुप का एडिशन करें तो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ऑलवेज रिमेंबर फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन को आइडेंटिफाई करने का पॉइंट क्या है, आपको देखना है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 इज अवेलेबल तो आपका फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन अंडरगो हो सकता है। और अगर एसाइल ग्रुप को ऐड करो, एसाइल मतलब कार्बन ग्रुप जिससे आपका एक एल्किल ग्रुप लगाओ एक क्लोरीन ग्रुप लगाओ तो वो बन जाएगा आपका फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। दो टाइप के आपके इसमें रिएक्शन फिडलक्राफ्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन, अच्छा नेमिंग रिएक्शन अभी तक कितनी बता दी मैंने आपको, डायजेंस, टेन क्लिस्टिन, स्वार्ट्स, सैंडमेयर्स, बोर्ज। ऑल्दो नेमिंग रिएक्शन में आप इसको अंडरगो नहीं करोगे बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस को, बट वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन,
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन और वुड्स पिटिक रिएक्शन और पिटिक रिएक्शन, उसमें आप इंक्लूड कर देंगे। वुड्स पिटिक और वुड्स में दिखा रहे बेटा, वुड्स रिएक्शन में आपके ट्वाइस अमाउंट में वजन होता है CH3Cl, जिसकी रिएक्शन आप करवा देते हो सोडियम के साथ में ड्राई इथर की प्रेजेंस में। ये सोडियम ट्वाइस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दोनों के बॉन्ड तोड़ता है और बन जाता है CH3CH3, साथ में रिलीज हो जाता है अपना NaCl ट्वाइस अमाउंट में। इज दैट के ड्राई इथर इस जो आपका ये बना ना सॉल्ट, इस सॉल्ट को प्रेसिपिटेट आउट करवाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू ली चातेलियस प्रिंसिपल। ये आपको आना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू ली चातेलियस प्रिंसिपल, ये चातेलियस प्रिंसिपल, ले चातेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट वुड्स पिटिक के बाद में आता है आपका पिटिक रिएक्शन। पिटिक में क्या होता है सर, पिटिक के अंदर आपके बेंजीन अलाइड प्रेजेंट होंगे, उसके साथ में आप सोडियम की रिएक्शन करवाइए डाइएथर की प्रेजेंस में, बन जाएगा डाइएथिनाइड। पिटिक में एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में होती है, दोनों कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। और वुड्स पिटिक में दोनों आपके एक होता है आपका एक एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का एसोसिएशन करवाना होगा आपको एरिल ग्रुप साथ में, तो आप करते हो वुड्स पिटिक रिएक्शन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कन्वर्जन के अंदर, कन्वर्जन में डायरेक्ट सवाल आता है कि अगर मुझे कन्वर्ट करना है आपके क्लोरोबेंजीन को टोलीन में तो कैसे करूंगा सर, सर वुड्स पिटिक रिएक्शन अंडर को करवा दूंगा, क्लोरोबेंजीन के साथ में CH3Cl का एडिशन करवा दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइएथर की प्रेजेंस में, तो आपका बन जाएगा सोडियम हैलाइड। इज दैट क्लियर, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डीडीडी की स्ट्रक्चर पूछी जा चुकी है पहले भी और आगे भी पूछी जाएगी कंपाउंड्स के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये डीडीडी की स्ट्रक्चर है। सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड्स में ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पूछी जा चुकी है। डीडी की स्ट्रक्चर इजी है आपको, वैसे इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरोन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको आपको रटना है अच्छे से, हाई चांसेस का सवाल पूछ लेंगे, 70-80% चांसेस है कि सवाल इससे पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर। अच्छा एक कंपाउंड और है बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, देखो ये NCERT बेस्ड ही मैंने आपको आज बताया है BHC, वरना इसमें कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं जो कि इंक्लूड करने अपने बाकी है, बट अभी अपन उतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि NCERT को कवर करेंगे, इतना टाइम अपने पास में नहीं है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, अगर बेंजीन के 6 कार्बन पे आपका क्लोरीन ग्रुप लग जाए तो उसको आप बोलते हो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं BHC को। नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़े सवालों की तरफ, सवाल इसमें इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट सारे, देखो बेटा बाकी आपको कुछ करो ना करो, बाकी सवाल सारे इसमें कवर अप होने चाहिए आपके। इज दैट क्लियर, सारे सवाल इसके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज तो आपके लिए मस्ट है बेटा, बार बार पूछी जाती है, रिपीट करके पूछी जाती है, तो प्लीज इसको जरूर करके जाना। आप बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है अपना एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर। एल्कोहल फिनोल एंड ईथर 12th क्लास का वन ऑफ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आना चाहिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टेक्निक इसमें मैं करवा देता हूं आपको। अगर मैं एल्कोहल फिनोल ईथर की बात करूं तो फर्स्ट पेज पे तो ऐसा कुछ अभी तक पूछा नहीं गया है, बट आगे सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। सेकेंड पेज पे भी क्लासिफिकेशन बेस सवाल पूछे गए हैं, आरबीएसई बोर्ड में एक बार एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल पे सवाल बना है, एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल पे एक बार पहले सवाल बन चुका है आरबीएसई बोर्ड में 2012 के अंदर, प्लीज इसको आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर बेस्ड सवाल आ चुके हैं पहले भी और आगे भी आने के हाई चांसेस है, तो नॉमेनक्लेचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नॉमेनक्लेचर मस्ट है
आपको कवर जरूर करना है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से एक सवाल आपको 120% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्विकली करते हैं। अच्छा, एक जो आपके नॉमेनक्लेचर में है, ईथर के नॉमेनक्लेचर में जो सवाल बार बार पूछे गए हैं वो ये दोनों है। एनिसोल कॉमन नेम दे दिया, साइटेशन नेम पूछा गया है, और आपका इथॉक्सी फ्रेम भी आपका पूछा जा चुका है 2013 के अंदर, आरबीएससी सीबीएसई दोनों के अंदर, तो अपने आप में इंपोर्टेंट मिल जाता है। कुछ एक जो कंपाउंड्स इनके दे रखे हैं, जैसे अगर ऑर्थो पोजिशन पे दो एच आपने कनेक्ट किया तो उसको बोलते हैं कैटीचोल। इनके जो कॉमन नेम है वो आपको एक बार जस्ट देख के निकलना है, बिकॉज कभी कभी एमसीक्यू बेस में पूछा जा सकता है, बाकी तो इंपॉर्टेंट इतने नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा, बट एग्जांपल नंबर 11.11 2014 एंड 2016 सीबीएसई में पूछा जा चुका है, 2016 एंड 2014 सीबीएसई में सवाल बन चुका है पहले, तो आपको ये डिस्कस एक बार कवर जरूर करके जाना है इसके एग्जांपल को। डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल पे मेजर सवाल बनते हैं, इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को ध्यान रखते वक्त कि मेजर जो सवाल पूछा जाता है वो डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल पे पूछा जाता है, पहले भी सवाल पूछा जा चुका है डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल पे। एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म पे भी सवाल पहले पूछा जा चुका है 2017 के अंदर, तो इसकी मैकेनिज्म आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से बेटा। मैं आपको बहुत थोड़ा क्विकली रिकैप कर रिवाइज करवा रहा हूँ, किसी को जो भी डाउट हो आप कमेंट अपने लाइव चैट्स के अंदर डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोवोलेशन ऑक्सीडेशन टेक्निक को एक बार पहले पूछा जा चुका है, पर उससे ज्यादा एक बार पहले सीबीएसई में सवाल आ चुका है हाइड्रोवोलेशन ऑक्सीडेशन पर, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसका जो आपको बनेगा वो आपको मैं बता देता हूं, एक सेकंड दीजिएगा जस्ट मुझे। चले लेट्स स्टार्ट इट अगेन, स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट से प्रिपरेशन है, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट 2017 2018 और दो बार 2017 में पूछी गई है, टू टाइम्स 2017 में आपकी ग्रिग्नार्ड एजेंट की प्रिपरेशन आपकी पूछी जा चुकी है, तो प्लीज ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12.4 को अभी आपका 2014 में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको एक बार जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाना। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ आज की कवर अप होने चाहिए बेटा आपके, ताकि आप कल पूरे अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई कर सके। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स बहुत बार पूछी जा चुकी है आरबीएससी बोर्ड में, 12, 22 और सप्लीमेंट्री ऑफ 2014 में आपके प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से लगातार सवाल बने आरबीएससी बोर्ड के अंदर, सीबीएसई में पूछे जाने की संभावनाएं भी है बेटा। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम हेलोरीन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाले मेथड से सवाल नहीं पूछा गया अभी तक, बट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं बेटा इससे। डायजोनियम सोल्ट पहले सवाल पूछा जा चुका है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, एनिलीन के साथ में NNO2 और मिनरल एसिड के साथ में एडिशन कर दीजिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वार्म वाटर में रख दीजिए, आपका फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अपन क्यूमीन, क्यूमीन से प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यूमीन से पहले बनता है क्यूमीन हाइड्रोजन परोक्साइड, और ये क्यूमीन हाइड्रोजन परोक्साइड देन आपके एसिडिक मीडियम में फूटता है, किसके अंदर बेटा, फिनोल के अंदर, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोजन परोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन परोक्साइड से आपका फिनोल की प्रिपरेशन आपके वाइवा में भी पूछी जाती है, और आपके मेजरली आपके बोर्ड्स में भी काफी बार पूछी जाती है। क्यूमीन को आप आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हो, तो इस ये आपको ध्यान रखना बेटा।
नेक्स्ट 2018 में 11.4 सीबीएसई बोर्ड, 2018 में सीबीएसई बोर्ड में पूछी जा चुकी है बेटा ये सवाल 11.4, तो प्लीज आपको ये कवर अप जरूर करके जाना है बेटा ग्रिगनार्ड एजेंट को, ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट बेस्ट सवाल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर मास होगा किसी भी कंपाउंड का, ये जिसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी इसके प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। इन दो पेजेस से मेजरली कोई सवाल आपसे नहीं पूछा गया है, रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट बेस्ट हो सकती है, क्या तो आप भाई आपका अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर R डैश O डैश H दो बॉन्ड है, क्या तो OH बॉन्ड टूट सकता है रिएक्शन करते वक्त, या फिर RO बॉन्ड टूट सकता है रिएक्शन करते वक्त, दोनों के टूटने में आपको देखनी है कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि OH बॉन्ड टूटेगा तो कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करोगे ROH की तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा सोडियम एल्कोक्साइड, अगर आपका फिनोल होगा तो फिनोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा सोडियम फिनोक्साइड। टाइमली इसे आप बार बार गो थ्रू करेंगे ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी तक इनसे कोई सवाल नहीं बना है बट नेक्स्ट पेज से काफी सवाल आपको देखने को मिले हैं। एसिडिटी ऑफ फिनोल पे, एसिडिटी ऑफ फिनोल पे सीबीएसई ने बहुत सारे सवाल पूछे बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे, तो आपको ये मस्ट करके जाना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 2016 के अंदर इसको दो बार 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 पूछा गया था, दो बार सवाल बने इसमें। नेक्स्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों होती है, क्योंकि वो इसके ऑक्सीजन से ये जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन खींचती है, इलेक्ट्रॉन बेंजीन खींचेगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को एच प्लस साइंस में कन्वर्ट करने में आसानी होगी, अगर जितना जल्दी जितना इजीली आप एच प्लस साइंस में उसको कन्वर्ट करोगे उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इज दैट क्लियर, तो ये फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन इस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, इस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन टैग कर ले बेटा, 2018 में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी आपसे सीबीएसई, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू विच यू विल रिवाइज वेरी इंपॉर्टेंटली, जाने से पहले आपको रिवाइज करनी ही करनी है, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हाउ कैन एस्प्रिन बी फॉर्म्ड, और एस फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, प्लीज इसको जरूर करके जाइएगा याद से, ये सीबीएसई में पहले भी पूछा जा चुका है सवाल, और 2013 में सीबीएसई डिहाइड्रेशन बेस्ड सवाल भी आ चुका है, सीबीएसई में 2013 के अंदर डिहाइड्रेशन बेस्ड सवाल भी आ चुका है, आप इसको भी गो थ्रू कर जाएंगे एक बार। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, तो जैसे मैंने आपको एसिड क्रिटलाइज हाइड्रेशन बताया था, वैसे एसिड क्रिटलाइज सॉरी डिहाइड्रेशन आपको करना है, इसकी मैकेनिज्म भी आरबीएसई एज वेल एज सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स में 2018 में पूछी जा चुकी है, तो प्लीज इसको जरूर करके जाइएगा याद से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाक से अपन डिहाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन 2018 आरबीएससी बोर्ड और 2016 सीबीएसई बोर्ड, ये सवाल आ चुका है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल 2016 एंड 2017 दोनों सालों में पूछा गया है बेटा, अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर करके जाए, आपके जितने भी डाउट्स, मैं अगेन कह रहा हूँ डाउट्स प्लीज आप नीचे जरूर भेजें, डाउट्स आप प्लीज जरूर नीचे भेजें ताकि मैं आपको डाउट्स को साथ ही साथ क्लियर अप करवाते जाऊं, अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे बताइए वरना थम्स अप दीजिए फटाक से, जल्दी से प्लीज फटाक से थम्स अप दीजिए अगर आपको कोई डाउट नहीं है ताकि अपन आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना रिएक्शन ऑफ फिनोल। रिएक्शन ऑफ फिनोल पे आपके आरबीएससी एंड सीबीएसई दोनों के ही सवाल बने मैडम। आरबीएससी सीबीएसई दोनों बैचेस दोनों ही आपके बोर्ड्स के अंदर आपके सवाल इससे आए हैं। मेजरली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन पे, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा बेटा। वहां पे भी आपके थी नाइट्रेशन का एडिशन, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन करा ऑर्थो प्रोपोजिशन पे तो आपका नाइट्रेशन, सल्फोन ग्रुप का एडिशन किया तो सल्फोनेशन। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और वहीं पे पैरा नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है, जिस वजह से वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन हैलोजिनेशन पे। मुझे 5 मिनट दें, 5 मिनट में अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कोलवेज रिएक्शन को। कोलवेज रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो कोलवेज रिएक्शन के अंदर आपका फिनोल दिया जाता है। ये सवाल पहले पूछा जा चुका है 2016 के अंदर बेटा, सीबीएसई 2016 में पूछा जा चुका है सवाल। और डायमर थायमल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में आपकी पूछी जा सकती है सीबीएसई के अंदर। तो प्लीज ये दो रिएक्शन तो आपके दिमाग से कैसे भी निकलनी नहीं चाहिए। 2016 में ही, 2018 में और 16 में, दोनों में इस साल में आपके रिएक्शन विद जिंक 10 को भी पूछा गया है, फिनोल को बेंजीन में कन्वर्जन भी पूछा गया है। प्लीज ये भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो ये आपको यहां पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर एथेनॉल के अंदर अपन मेथेनॉल ऐड कर देंगे तो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल का हो जाएगा डीनेचुरेशन, अल्कोहल का हो जाएगा डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी 2018 में पूछा जा चुका है सवाल। इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, ये रिएक्शन बायोमोलिक्यूल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ईथर की प्रिपरेशन फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस एंड डिहाइड्रेशन, दोनों ही आपके 2016 और 2015 दोनों ही सालों में आपकी दोनों इक्वेशन आई है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो प्लीज इसको भी जरूर आप अंडरगो करें एक बार। 11.6 वाला जो एग्जाम्पल है वो भी सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे कि आप एक बार इंसाइट को गो थ्रू करें, लास्ट टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टैग्ड हो और आप उसी को रिवाइज करके फटाक से निकल जाए। बाकी यहाँ से एसएस कोई सवाल नहीं बना है, मेजरली जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है उनपे आपके ईथर के सवाल बने हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पे ईथर के मेजरली सवाल आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, तो प्लीज इसको जरूर करके जाइएगा जाने से पहले। अगर आपको मैं लास्ट क्वेश्चंस बताऊं तो क्वेश्चंस के अंदर से आपका ये 11.12 सीबीएसई ने इसको 2016 में दोनों दो सवाल पूछे गए थे इससे, एक ये वाला एक ये वाला, तो प्लीज दोनों सवालों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा जब आप जाए। नेक्स्ट चैप्टर पे अपन बढ़ते हैं, समरी तो आपको करनी है। एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी टैगिंग मैं आपको फटाक से कंप्लीट करवा देता हूँ, एक सेकेंड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी टैगिंग मैं आपको फटाक से कवर अप करवाता हूँ। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर आपकी सभी चीजें इंपॉर्टेंट है बट मेजरली जो आपसे पूछा जाएंगे वो इसकी रिएक्शन पूछी जाएंगी। नॉर्मल क्लियर क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का नहीं है, अगेन आपको मैं याद दिला दूं। एक इसका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डेफिनेटली आप इसका जरूर करके जाएं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन से ऐसा अभी तक कोई सवाल पूछा नहीं गया है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा चुका हूं। मेजर रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन है इसकी स्टीफन रिएक्शन। देखिए इस स्टेज में से पेज नंबर 3 आपका जो भी पेज नंबर एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 362-363 पर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स,
आपका 100% चांसेस है कि प्रिपरेशन ऑफ एनडीआईएच पे से आपको सवाल देखने को मिलेगा कल। 100% चांसेस है प्रिपरेशन ऑफ एनडीआईएच पे आपको सवाल देखने को मिलेगा कल। तो प्लीज इसको जरूर वाइंड अप करके जाइएगा। मेजर इसकी रिएक्शन है रोजनमोंड स्टीफन, रोजनमोंड स्टीफन इटार्ड। ये रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर करके जाना। गटरमैन कोच रिएक्शन इज दैट क्लियर? यहां तक अब कवर आ चुके हैं अपन। लास्ट अपना सिलेबस लास्ट पे चल रहा है, जल्दी अपन इसको खत्म करने वाले हैं। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ आपके फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के थ्रू भी आप इस कार्बन कंपाउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मास एंड वो आपको सोलिबिलिटी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जस्ट देख के जा सकते हैं। इसके अंदर मेजरली जो रिएक्शन अभी तक पूछी जा चुकी है ये वाली रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप अभी मेरे को डालते हैं, मैं आपको डाउट भी कवर अप करवा दूंगा। मेजर आपकी जो रिएक्शन अभी तक पूछी जा चुकी है दो बार से तीन बार सवाल जिनसे पूछा जा चुका है, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वॉल्स पिस्टन रिडक्शन सीबीएसई के अंदर 2018 और 12 में इनसे सवाल आए हैं बेटा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। साथ ही साथ आरबीएससी में 2022 और 2016 में इनसे सवाल बने आरबीएससी से। टोलेंस टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन वाले टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट इसके अंदर आते हैं, आप इसको गो थ्रू जरूर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिडक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आप बाकी कुछ करके जाए नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जरूर करके जाए, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके पूरे चैप्टर का। सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन आपके मस्ट होने चाहिए जब आप बोर्ड के पेपर में बैठे। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसमें एक ध्यान रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं बेटा। कैसे ग्रुप होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि वाई दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि सर आपके कार्बोनिल ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके ऐड नहीं होगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं अपनी तरफ, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कि पॉजिटिव चार्ज, तो बच की कौन सी पोजिशन? मेटा पोजिशन। उन मेटा पोजिशन पे वो जाके ऐड हो जाएगा। ये आपका सब इसका रीजन आता है, प्लीज इसको अच्छे से ढंग से जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग में आपकी कॉमन नेमिंग इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉमन नेमिंग जरूर करके जाएं। कॉमन नेमिंग से सवाल पूछे जाते हैं, कॉमन नेमिंग से एक बार गो थ्रू कर लेंगे, उसी से आपका हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं आपके इसकी, तो नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स वाली जो रिएक्शन है जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन करते हो, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरूर कवर अप करके जाएंगे आप। एंड एक जॉन्स रिएजेंट मैं आपका छूट गया था यहाँ पे, वो आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि जॉन्स रिएजेंट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जॉन्स रिएजेंट सर? CrO3 एंड H2SO4 का कॉम्बिनेशन होता है सर जॉन्स रिएजेंट। आप अगर किसी भी अल्कोहल के अंदर जॉन्स रिएजेंट डाल दोगे तो वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन वाली स्टेज नहीं पकड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इसको कवर अप बिल्कुल करके जाइएगा प्लीज। लास्ट प्रिपरेशन फ्रॉम ईस्टर, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि इसमें आप जिससे आपसे सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.5 जरूर करके जाए बोर्ड से पहले जब आपका पेपर हो उससे पहले। बाकी मेन बढ़ते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, अच्छा एक इनकी एसिडिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर मैं अगेन आपको रिमाइंड दिला दूं, एसिडिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर
120% आपको दिखेगा, 100% आने के चांसेस हैं, 100% आपके एसिडिटी और बेसिडिटी के चांसेस हैं कि वो पेपर में आपको दिखेंगे परसों। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, एस्टरीफिकेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले भी पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन ऑलरेडी मैं आपको कवर अप करवा चुका हूं, जहां जहां इंपॉर्टेंट है, बस एक आपको मुझे बतानी है। रिएक्शन विद अमोनियम, जिसमें आप फॉर्मेशन करेंगे पैथलमाइड की, पैथलमाइड, ये गैब्रियल पैथलमाइड रिएक्शन आएगी एक आगे, और गैब्रियल पैथलमाइड रिएक्शन के अंदर आप ये पैथलमाइड आपका आएगा। तो सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपके डाई बेंजोइक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कैसे फॉर्मेशन करेंगे, गैब्रियल पैथलमाइड रिएक्शन कैसे वहां तक लेके जाएंगे, या पैथलमाइड की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो प्लीज ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से अच्छे से देखना है। एग्जैक्टली ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए अगर आपके चैप्टर को आप कवर अप कर रहे हैं तो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेल वोल्हार जिलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन और कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस, जो 11th क्लास में आपकी है, ये दोनों रिएक्शन आपको, ये 11th क्लास से आप रेफर कर सकते हैं, प्लीज इसको जरूर करके जाइएगा। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस और HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन पूरे चैप्टर की सबसे यूनिक रिएक्शन है बेटा, और इसकी यूनिकनेस की वजह से ही अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो प्लीज इसको एक बार प्लीज गो थ्रू जरूर कीजिएगा जब आप एक बार पेपर देने जाए। और लास्ट रिंग सेपरेशन रिएक्शन, जो इसकी इंपॉर्टेंट बन आती है, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अमाइंस में मुझसे कोई पूछे तो अमाइंस की सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा बेसिसिटी। इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको पहले ही लिख दे रहा हूं। बेसिसिटी, बेसिसिटी नंबर वन, नंबर टू एजोडाई रिएक्शंस, या जिनको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हो आप, नेक्स्ट गटरमान रिएक्शन। गटरमान कोच अलग है, गटरमान रिएक्शन अलग है बेटा, यहां पे देख सकते हैं आप पूरी चैप्टर में गटरमान रिएक्शन, ये आपकी नाइट्रो कंपाउंड से एनिलीन की प्रिपरेशन आपको दिखाती है गटरमान रिएक्शन। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये गैब्रियल पैथलमाइड रिएक्शन, इसी की बात कर रहा था मैं। ये जो पैथलमाइड है आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे पैथलमाइड की सॉरी अमीन की फॉर्मेशन करें, प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन करें, तो आपका ये गैब्रियल पैथलमाइड सिंथेसिस और आपको वो रिएक्शन को कंबाइन करना होगा, पैथलमाइड रिएक्शन को फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैथलमाइड को, जिससे कि आप इसको कर पाए। होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यही इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाकी इसमें से कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बेटा। बेसिसिटी, होफमैन ब्रोमामाइड, गैब्रियल पैथलमाइड, एजोडाई रिएक्शन और आपका कार्बिलामाइन टेस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है, जो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ लास्ट इसमें, कार्बिलामाइन टेस्ट है जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ये टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, इस टेस्ट को आप जरूर कवर अप करके जाएंगे, ये आपके लिए लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मेरी एडवाइस देंगी। हिंसबर्ग रिएजेंट से भी सवाल बनता है, आपके वाइवावाज में भी सवाल पूछे जाते हैं इससे, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंसबर्ग रिएजेंट का और आपके इसका आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बिलामाइन टेस्ट का। इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, वही सेम रिएक्शंस हैं इसकी, पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है आपके, सॉरी मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही आपका इसमें देखने को मिलेगा आपको। ये आपका डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट्स में आपको मैंने बताया था, ये देखिए गटरमान रिएक्शन, और लास्ट आपका एजोडाई रिएक्शन, यही आप या कपलिंग रिएक्शन जिसको आप बोलते हो, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आपका सिलेबस वाइंड अप हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं इंटायर सिलेबस से तो आप मुझे डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप बता सकते हैं मुझे। अगेन बता दूं, पूरे सिलेबस में से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका समरी पढ़ना, समरी जरूर पढ़ के जाइएगा, बाकी कुछ करके जाए नहीं जाए, समरी जरूर पढ़ के जाए, ये आपके लिए मस्ट है बेटा।
यहाँ पे अपन वाइंड अप करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स आपका थियोरेटिकल चैप्टर है, उसके में से आप कवर करेंगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं मार्क करवाना चाहूँ बायोमोलिक्यूल से, तो बायोमोलिक्यूल से इंपॉर्टेंट आपका बन जाते हैं प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर। यही सामने ही मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ग्लूकोज की रिएक्शंस, ग्लूकोज रिएक्शन से बार बार सवाल बनते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ग्लूकोज की रिएक्शंस, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर अभी आपका इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है। ग्लूकोज की रिएक्शंस, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर से भी बार बार सवाल बनते हैं। डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड, हार्वर्ड और आपकी स्ट्रक्चर, हार्वर्ड फिशर स्ट्रक्चर, इन सब के थ्रू आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड जरूर याद करके जाए बेटा। एसेंशियल अमीनो एसिड से सवाल आपको पीवाई आपके एमसीक्यू में मिलने के हाई चांसेस है। एमसीक्यूज में आपको इसके हाई चांसेस है अमीनो एसिड के मिलने के, अमीनो एसिड बेस्ड सवाल मिलने के। प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स एंड लास्ट आपका आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर आप विटामिन्स, एंजाइम्स और विटामिन्स, विटामिन्स के नेम्स से आपसे सवाल पूछे जाएंगे डायरेक्टली, तो वो आप जरूर करके जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लिक एसिड की प्रिपरेशन और इनकी स्ट्रक्चर से सवाल आपका देखने को मिलता है बायोमोलिक्यूल्स में। और लास्ट आपका हार्मोन्स के साथ में आपका चैप्टर खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन मैं वाइंड अप करके कह रहा हूं आपको, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस मस्ट है बेटा, जरूर करके जाइएगा। समरी जरूर पढ़ के जाए लास्ट, ये आपका मेरे लास्ट हिदायतें हैं जो आपको मैं देना चाहूंगा। पार्ट वन पार्ट टू के अंदर मैंने आपको टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पूरे सिलेबस के वो मार्क करवा दिए हैं। स्टिल कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है पूरे सिलेबस में, बट अभी अपने जो सबसे मस्ट करने वाले टॉपिक है वो मैंने आपको इन दोनों पार्ट के अंदर करवा दिए हैं। आपको कोई भी डाउट आता है आप टेलीग्राम के थ्रू मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको मिल जाऊंगा। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, मैं आपको उसमें से डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा, आपके आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपके पास में एक दिन है, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम बेटा, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सबक है।